दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं अविश और आप देख रहे हैं स्पाई सब्जेक्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने दोस्त या अपने किसी की भी बर्थ डेट और बर्थ मंथ कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक बार मैं आपको बताऊंगा मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया है। हम लेट करते हैं, जैसे हमारी डेट है 1 जुलाई, वन डेट होगी और अपन मंथ को लिखते हैं 07। ओके, हम अब अपनी बर्थ डेट को लेके चलेंगे आगे। एक बार 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 आंसर आएगा, 2 में 5 ऐड कर देंगे 7, 7 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, 350, 350 प्लस 7 इक्वल टू 357, 357 में से हम 250 माइनस कर देंगे, 357 माइनस 250 701। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 701। 1 हमारी बर्थ डेट, 07 हमारा मंथ, मतलब 1 जुलाई। इट्स राइट। ओके, अब सेकंड हम लेट करेंगे हमारी बर्थ डेट 11, मंथ सेम मिलते कुछ होता है, मंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22, 22, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 27 इंटू 50 इक्वल टू 1357, 1 सेकेंड, 1357 प्लस 1350, सॉरी 1350, 1350 प्लस 7 इक्वल्स टू 1357 माइनस 250, 1 सेकेंड, 357 माइनस 250 सेवन, 5 से 5 0 1 और 1। अब हमने 2 डिजिट लेट, अगर 4 डिजिट आएगा तो हम लेट करेंगे आगे की 2 डिजिट एंड पीछे की 2 डिजिट। अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर आएगा तो हम आगे की फर्स्ट बर्थ डेट काउंट करेंगे और पीछे की 2 मंथ। इसमें हम आगे की 2 बर्थ डेट और पीछे की 2 मंथ। इसका मतलब अगर आपकी डेट चाहे सिंगल में हो चाहे डबल में हो, दोनों में आपका आंसर राइट निकलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट देना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।